शादियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी और बहुत सी बारात में नाचने का लुत्फ भी लिया होगा, लेकिन एक शादी में दो दूल्हों की बारात आपने शायद ही कभी देखी हो। जी हाँ, यूपी के कानपुर में एक दुल्हन के लिए दो दो दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। इसके बाद शादी प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में देखिए। एक दुल्हन के लिए दो दूल्हों की बारात। एक दूल्हा अपने परिवार और रिश्तेदार के साथ बारात लेकर पहुंचा, तो वही दूसरे दूल्हे की बारात में शामिल थी यूपी की पुलिस। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। यह हैरतअंगेज मामला है यूपी के कानपुर देहात का। दरअसल यहां एक शख्स की बेटी की शादी हो रही थी। इसी दौरान रामशीष नाम के शख्स के साथ पुलिस गेस्ट हाउस पहुंचती है और शादी को रुकवा देती है। सर, हम लोगों ने मतलब हम तो पहली बात तो रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे, करीब छः सात बार मिल भी चुके थे। मेरे पास लड़के ने फ़ोन किया रात में 3:30 बजे, जिस लड़के से शादी तय हुई थी। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है ज्योति से? तो मैंने बोला आपको किसने बताया? तो उन्होंने बोला कि मुझे ज्योति ने बताया। तो मैंने कहा अगर बताया है तो सच है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो शादी करूँगा, कुछ हो जाए मैं शादी करूँगा। यू ठीक है जो तुमने किया किया, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं शादी करूँगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है आप कर लो, लेकिन पहले लीगल तो हक मेरा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन कर लेता हूँ, जो भी कार्यवाही है वो होगी। तो मैंने 112 पे कॉल किया, मैंने उनको सारी बातें बताई। तो वो उन्होंने जो भी स्टेप पुलिस ने शादी रुकवाई है। पुलिस के मुताबिक दुल्हन की शादी पहले ही रामशीष से हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों आर्य समाज मंदिर में पहले ही शादी कर चुके हैं। उसके बारे में घर पे भी हमने बताया एक दो बार घर वालों से, लेकिन पापा ने बोला कि यहाँ पे देखा तो हमने कहा ठीक है जहाँ मम्मी पापा कह रहे हैं वही शादी करेंगे मेरा। लेकिन वो बात होते 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 इतनी ज्यादा वो मतलब क्या मैट्रिमोनियल साइट पे उससे दोस्ती होती है आपकी? जी। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है वो? लखनऊ का रहने वाला है। क्या नाम है? रामाशीष। कास्ट या अदर कास्ट का? कास्ट बताया था पहले घर पे, लेकिन यहाँ सब साथ शादी फाइनल हो गई और फिर चीजें होते होते इतनी ज्यादा हो गई कि हम किसी से कुछ बोल नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए, उलझते रह गए सुलझा। वही दूसरे दूल्हे के लोगों का इल्जाम है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लड़की पहले से ही शादी कर चुकी थी जिसकी जानकारी उनसे छुपाई गई। जब लड़की खुद ही उसे घर वाले एक्सेप्ट करें कि उसने 21 तारीख कोर्ट मैरिज की है, 23 को हमारे यहाँ तिलक हुआ है, 27 को हमारे यहाँ बारात आ रही है, तो साहब कोई एक्सेप्ट कर पाएगा इस चीज़ को? अब आप लोग क्या करेंगे फिलहाल? अब हम तो चाहते हैं कि लड़की अपना जहाँ उसने कोर्ट मैरिज की अगर वहाँ जाना चाहे अपना चली जाए, और जो है अब कोर्ट मैरिज की तो जाने की वजह से की होगी उसने। तो आप लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? अभी एक्सेप्ट क्या, अभी ये अभी स्थिति ऐसी बन रही है। भारी हंगामे के बाद दुल्हन को पहले शौहर रामशीष के साथ विदा कर दिया गया, लेकिन दूसरे शौहर के दिल पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। फिलहाल इस शादी की चर्चा से लोग चटकारे ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।